आयोटा क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हम लोग पहला एग्जांपल करने वाले हैं, एक्सरसाइज 6A आर एस अग्रवाल के नए एडिशन 2020 के एडिशन वाले बुक से। देखो पहला एग्जांपल है हमारा, तो क्या बोल रहा है पहला एग्जांपल, फ्रेश बिल्कुल है ना। चलिए आइए देखते हैं कि क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए 713 एंड बी 109। तो हमें क्या करना है, डिस्टेंस निकालना। डिस्टेंस बोले तो ए से लेके बी तक का डिस्टेंस। तो देखो अगर एक पॉइंट हमारा ग्राफ तो यही हो गया एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, अगर एक पॉइंट ये ए है और एक पॉइंट बी है, तो ए का कोऑर्डिनेट हमें दे दिया गया है, एब्सिसा दे दिया 7, ऑर्डिनेट दे दिया हमें 13, बी का भी एब्सिसा 13 और ऑर्डिनेट दे दिया है 9। तो हमें बोला कि इसका क्या निकालिए, लेंथवा निकालिए इसका, ए बी निकाल के बताइए कि क्या होगा। तो देखो ए बी कैसे निकालेंगे, आइए आते हैं। तो अब देखो यहाँ पर एक्स वन वाई वन होता था और ये एक्स टू वाई टू, तो देयर फोर है ना, अगर हम अपन ले लें इसे कि लेट कि एक्स वन इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 7 है ना, एंड वाई वन इज इक्वल टू 13, ठीक। उसके बाद क्या है वो एक्स टू इज इक्वल टू कितना है हो गया हमारा 10, एंड वाई टू इज इक्वल टू अगर हमारा 9 हो गया। तो अब हम लोग जानते हैं डिस्टेंस फार्मूला से है ना, तो फ्रॉम यहाँ लिख दो अगर आप ज़्यादा अच्छा रहेगा, कि फ्रॉम डिस्टेंस फॉर्मूला वी नो दैट, क्या जानते हो यार, बोलो ना क्या जानते हो, अरे बोलो ना मेरे भाई, जो डिस्टेंस होता है यानी कि जो ए बी होगा हमारा, ए बी का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, ये होगा हमारा कि एक्स टू माइनस एक्स वन का होल का स्क्वायर है ना, प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल का स्क्वायर पे होल पर अंडर रूट, ये होता है हमारा है ना ए बी का लेंथ। तो ये आ गया हमारा, अब बस खाली पुटाएंगे, बस पुटाओ और निकालो ना, और कुछ नहीं करना हमें। तो अब देखो रूट अंडर है तो रूट अंडर पहले डाल दो, अंडर रूट डाल दिया। अब यहाँ देखो एक्स टू हमारा क्या हो गया, एक्स टू तो हमारा हो गया 10, तो यहाँ लिख दो एक्स टू की जगह पर 10 माइनस, और एक्स वन कितना है, एक्स वन है हमारा 7, तो 7 डाल दो और इसका होल का स्क्वायर लिख दो, प्लस है प्लस डाल दो। वाई टू कितना है हमारा 9 है, तो 9 डाल दो, और वाई वन माइनस वाई वन, तो वाई वन कितना है, वाई वन है हमारा 13, तो 13 डाल दो। क्या बात, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, इसका होल का स्क्वायर, तो अब क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा कि 10 में से 7 जाएगा तो 3, और 3 का स्क्वायर बोले तो कितना होगा, 3 का स्क्वायर अरे बोलो ना 9 होता है, अगर ये नहीं मालूम है तो चुल्लू भर पानी लो और डूब मरो जल्दी से। चलिए ये आगे चलते हैं, 9 में से 13 जाएगा, अरे 13 माइनस में 9 प्लस में, तो ऐसा कितना आएगा माइनस चार का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर प्लस में ही आता है, तो आंसर हो जाएगा आपका 16, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 16 यहाँ आ गया, क्या बात है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे सॉल्व करते हैं, चलो मैं यहाँ बनाता हूँ। तो 9 प्लस 16 बोलो तो 25, तो रूट अंडर 25 यानी कि ए बी, ए और बी, दिस इम्प्लाइज ए बी इज इक्वल टू आ गया अंडर रूट 25, और ये किसका स्क्वायर है, ये है हमारा 5 का स्क्वायर रूट है ना, तो चलिए ए बी इज इक्वल टू आ गया हमारा 5, तो ये लेंथ आ गया 5। अब ये 5 क्या, सेंटीमीटर मीटर क्या होगा, अरे हमें तो कुछ तो दिया नहीं है सेंटीमीटर मीटर में, तो अपन लिख देंगे सिर्फ 5 यूनिट डाल दो, बस हो गया यूनिट। अब ये यूनिट कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर में मीटर में कुछ भी हो सकता है, तो ये आ गया हमारा ए बी का लेंथ आ गया है, ठीक है, ठीक बा। चलिए तो अब जो है हम लोग मिलेंगे डियर स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें, जय हिंद जय भारत।